पहला सोर्स है अर्नस्ट ब्रेनन का, और वो यहाँ पर परिभाषित करते हैं कि एक राष्ट्र या एक नेशन क्या होता है। तो वो एक लेक्चर डिलीवर करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोन में 1882 में, और ये एक फ्रेंच फिलोसोफर है अर्नस्ट ब्रेनन। तो ये बताते हैं कि इनके हिसाब से एक नेशन का मतलब क्या होता है, एक राष्ट्र का मतलब क्या होता है। इनका जो ये लेक्चर है ये बाद में पब्लिश होता है एसे जिसका नाम है क्वेस्ट से क्यूनोन नेशन, यानी व्हाट इज अ नेशन। ये फ्रेंच में लिखा है तो इसका मतलब है इंग्लिश में व्हाट इज अ नेशन। तो इस एसे में रेनन क्रिटिसाइज करते हैं उस आइडिया को, उस सोच को जो दूसरे लोगों का कहना है, जिसमें वे कहते हैं कि नेशन जो है वो एक कॉमन भाषा से, कॉमन रेस से, कॉमन रिलीजन से या कॉमन टेरिटरी से बनता है। तो अर्नस्ट ब्रेनन का इससे अलग कुछ मानना है। वे कहते हैं कि एक राष्ट्र जो है वो एक लंबे इतिहास की कोशिशों के इतिहास, सेक्रीफाइस के इतिहास और डिवोशन के इतिहास से बनता है। यानी जिस राष्ट्र का एक लंबा कोशिशों का इतिहास रहा है, सेक्रीफाइस का इतिहास रहा है, भक्ति का इतिहास रहा है, वह एक राष्ट्र है। राष्ट्र का एक हीरोइक पास्ट होता है, जो उसका पास्ट होता है वो हीरोइक होता है। किसी भी राष्ट्र में बहुत ग्रेट लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, और वहाँ पर ग्लोरी होती है। ग्लोरी मतलब इज्जत होती है, जीत होती है। यही जो चीज़ें हैं, ग्लोरी, अच्छे लोग, हीरोइक पास्ट, ये सब जो है ये एक सोशल कैपिटल है। यानी एक कैपिटल क्या होता है, इनकम। तो ये एक सोशल इनकम है एक, जो कि एक नेशनल आइडिया की नींव है। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो फिर राष्ट्र की नींव नहीं हो सकती। तो अगर आपकी कॉमन ग्लोरीज हैं, जो भी आपने पास्ट में जो जीता है वो कॉमन है, अगर आपकी जो विल है, जो इच्छा शक्ति है, वो भी कॉमन है, यानी जो आप सब चाहते हैं वो सेम है, साथ ही साथ अगर आप मिलकर और भी आगे इसी तरह से अच्छी काम करते रहना चाहते हैं और आपने अच्छे काम किए भी हैं, तो अभी पिछले समय से, पुराने समय से आप अच्छे काम करते आ रहे हैं और इसी प्रकार से आगे भी अच्छे काम करते रहना चाहते हैं, यही मिलजुल कर काम करते रहना चाहते हैं, तो फिर आप राष्ट्र हैं। क्योंकि यही सब जो है जरूरत कंडीशन है, जरूरी कंडीशन है लोगों के लिए एक राष्ट्र की फॉर्मेशन में। अगर एक राष्ट्र के लोगों का, क्योंकि एक राष्ट्र क्या होता है, एक राष्ट्र की एक पास्ट होता है, तो उसमें रहने वाले सभी लोगों का जो पास्ट है वो कॉमन हो गया, फिर जो इच्छाएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो भी एक नेशन के लोगों की सबकी सेम होती है। जो नेशन के लोग होते हैं वो मिलकर काम करते हैं, अच्छे काम हो चाहे बुरे काम हो, और अगर वे मिलजुल कर रहना चाहते हैं साथ में और इसी प्रकार से आगे भी कार्य करते रहना चाहते हैं, तो इसका मतलब वो एक राष्ट्र है। राष्ट्र बेसिकली एक लार्ज स्केल सॉलिडैरिटी है, यानी लार्ज स्केल ब्रदरहुड आप इसको कह सकते हैं, जहाँ पर भाईचारा, यानी जब आप साथ कोई काम करना चाहते हैं, किसी के साथ रहना चाहते हैं, तो उसको सॉलिडैरिटी कहते हैं। तो सॉलिडैरिटी यहाँ पर दो तीन लोगों की नहीं, करोड़ों लोगों की भी हो सकती है। बेसिकली एक राष्ट्र की एग्जिस्टेंस किस चीज़ पर निर्भर है, वो एक डेली प्लेबिसिट है, यानी रोज का ही एक इलेक्शन अपने आप में है। यानी अगर किसी राष्ट्र के लोग आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं, वो वहाँ खुश है, तो फिर वो राष्ट्र एग्जिस्ट करता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो एक सच्चा राष्ट्र नहीं, वो एक राष्ट्र का चुगा ओढ़े हुए कुछ और ही है, राष्ट्र तो नहीं है। इसी तरह से एक प्रोविंस, एक एरिया जो होता है वो उसके इनहैबिटेंट से बनता है, वहाँ के रहने वालों से बनता है। तो अगर आपको किसी को कंसल्ट करना है तो वहाँ के इनहैबिटेंट्स को कीजिए, वहाँ के लोगों को कीजिए। कोई भी नेशन जो होता है उसका रियल इंटरेस्ट नहीं होता कि वो किसी दूसरी कंट्री को होल्ड करे या उसको जीते उसकी इच्छा के विरुद्ध। अगर कोई कंट्री अपनी इच्छा से मिलना चाहे तो बात अलग है, लेकिन वो किसी भी टेरिटरी को, किसी भी एरिया को उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा नहीं करता। ऐसा एक सच्चा राष्ट्र होता है। जो एग्जिस्टेंस है नेशंस की, वो एक बहुत अच्छी चीज़ ही नहीं बल्कि एक ज़रूरत है, ठीक है। और ये जो एग्जिस्टेंस है ये गारंटी देती है लिबर्टी की। अगर नेशंस नहीं होंगे इस तरह से तो आज़ादी भी नहीं होगी। और ये दुनिया जो है ये
एक ऐसी दुनिया बन जाएगी जहां पर बस एक ही कानून होगा और उसका एक ही मास्टर होगा, जो कि बहुत ही भयानक भयानक होगा। तो ये चीज है यहाँ पर। अर्नस्ट रेनर ने कितने प्यारे तरीके से नेशन को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, नेशन की भाषा को एक्सप्लेन किया है कि अगर लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं तो वो राष्ट्र हैं, और अगर लोग मिलजुल कर नहीं रहना चाहते तो फिर वह राष्ट्र नहीं है। फिर अगला जो बॉक्स है वो फ्रेडरिक लिस्ट से रिलेटेड है और ये जोलवरीन से रिलेटेड है। तो उस समय इकोनॉमिस्ट जो हैं वो ये सोच रहे थे नेशनल इकोनॉमी के रूप में, जर्मनी में अर्थशास्त्री एक नेशनल इकोनॉमी की टर्म्स में अब सोचने लगे थे, और वे बात करते थे कि किस तरह से राष्ट्र को डेवलप किया जा सकता है और वो कौन से इकोनॉमिक मेजर्स, कौन से आर्थिक मेजर्स लिए जा सकते हैं जिससे कि राष्ट्र को एक किया जा सके। तो इन्हीं में थे एक फ्रेडरिक लिस्ट, जो कि प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के यूनिवर्सिटी ऑफ टुबिंगम में। ये टुबिंगम जो है ये जर्मनी में पड़ता है, और इन्होंने 1834 में लिखा था कि जो जोलवरीन का एम है वो ये है कि जर्मन्स को इकोनॉमिकली यानी आर्थिक तरीके से एक राष्ट्र में पिरोना। इससे जो है ये नेशन मटीरियली ही नहीं बल्कि उसके इंटरेस्ट एक्सटर्नली भी प्रमोट होंगे, यानी आर्थिक रूप में तो राष्ट्र को फायदा मिलेगा ही, लेकिन अगर बाहरी रूप से देखें तो भी हमारे इंटरेस्ट प्रमोट होंगे, खास तौर पर जब हमारी इंटरनल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अभी इंटरनल प्रोडक्टिविटी किस तरह से बढ़ेगी? ट्रेड बढ़ने से। जब ट्रेड इजी हो जाएगी आपस में जर्मन स्टेट्स के बीच में जोल्वरीन के फॉर्मेशन के बाद, तो फिर जो इंटरेस्ट्स हैं हर स्टेट के वो और ज़्यादा प्रोटेक्ट होंगे, और ज़्यादा ये सभी स्टेट्स एक साथ डेवलप कर पाएंगे। साथ ही साथ ये जो जोल्वरीन है ये बेसिकली लोगों को जगाता है और नेशनल सेंटिमेंट उनमें भरने का काम करता है, क्योंकि जोल्वरीन की मदद से लोगों में इंडिविजुअल लेवल पर भी और एरिया लेवल पर भी उनको फायदा होगा। तो वे सोचेंगे कि अगर सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पर एक साथ रहने से हमें इतना फायदा हो रहा है तो क्यों ना हमें एक राष्ट्र ही बन जाना चाहिए। तो इस तरह से ये जो जोल्वरीन है ये लोगों को जोड़ने का काम करेगा, और जर्मन लोग अब ये रियलाइज करेंगे कि एक फ्री इकोनॉमिक सिस्टम जो है यही एक तरीका है नेशनल फीलिंग को, राष्ट्रवाद की फीलिंग को बढ़ाने का। इसके बाद दोस्तों तीसरा बॉक्स आता है द ग्रिम ब्रदर्स का, फॉक टेल्स एंड नेशन बिल्डिंग। तो ग्रिम्स फेरी टेल्स एक बहुत ही फैमिलियर नाम है। ये दो भाई हैं जेकब और विलियम ग्रिम, और इनका जन्म जर्मनी में एक शहर में हुआ, हनाउ। जेकब का जन्म 1785 में हुआ और विलियम का 1786 में। दोनों ने लॉ की पढ़ाई की और उसके बाद इनका जो इंटरेस्ट है वो पुरानी लोक कथाएं इकट्ठी करने में हो गया। तो इन्होंने 6 साल तक ये गांव गांव घूमे, लोगों से बात की, और फिर इन्होंने वहाँ पर फेरी टेल्स जो हैं, परी कथाएं, दंत कथाएं, उनको नोट किया। और ये दंत कथाएं ऐसी नहीं थी, ये सदियों से चले आने वाली दंत कथाएं थी, लोक कथाएं थी। और ये जो कथाएं इन्होंने कलेक्ट की ये सिर्फ बच्चों में नहीं बड़ों में भी खूब पॉपुलर थी, और 1812 में इन्होंने अपने इन कहानियों का पहला कलेक्शन जो है वो पब्लिश किया। इसके बाद दोनों भाई जो हैं वो लिबरल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, खास तौर पे प्रेस की आज़ादी के लिए। उसी समय इन्होंने एक 33 वॉल्यूम की डिक्शनरी भी पब्लिश की जर्मन भाषा में। ग्रिम ब्रदर्स जो हैं वो फ्रेंच डोमिनेशन को, फ्रांस के वर्चस्व को एक खतरे की तरह देखते थे जर्मन कल्चर के लिए, और ये मानते थे कि जो ये लोक कथाएं हैं जो इन्होंने इकट्ठी की थी ये प्योर और ऑथेंटिक जर्मन स्पिरिट का एक एक्सप्रेशन है, ये उसको सिंबलाइज करती है। तो वे उनका जो प्रोजेक्ट था लोक कथाओं को कलेक्ट करने का और जो जर्मन भाषा को डेवलप करने का, उसको ये एक अपना बड़े वाइडर एफर्ट के रूप में देखते थे, जिसमें वे फ्रांस के वर्चस्व को या डोमिनेशन को अपोज कर रहे थे और एक नेशनल जर्मन आइडेंटिटी बनाने का काम कर रहे थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कि 1848 के फ्रांस में लिबर्टी और इक्वालिटी जो कि वुमेन के लिए किस तरह से समझी जाती थी। तो सबसे पहले हम इसमें कार्ल वेलकर एक पर्सन है,
उनके व्यूज को देखेंगे। तो एक लिबरल पॉलिटिशियन थे कार्ल वेलकर, और ये इलेक्टेड मेंबर थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के। तो ये अपने व्यूज बताते हैं, वो कहते हैं कि नेचर ने आदमी और औरत को अलग अलग कामों के लिए बनाया है। आदमी जो बलशाली होता है, ज्यादा बोल्ड होता है और ज्यादा फ्री भी होता है दोनों के मुकाबले, उसको फैमिली के प्रोटेक्टर के रूप में जॉब डेजिग्नेट की गई है। वो उनका प्रोवाइडर है और वो पब्लिक डोमेन में जो भी टास्क होते हैं, जो भी कार्य होते हैं उनको करता है, लॉ से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड। वुमेन जो होती है वो वीक होती है, वो डिपेंडेंट होती है और डरपोक सी होती है, उसको आदमी के प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। उसका जो एरिया है वो है घर का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना और फैमिली का ध्यान रखना। तो क्या हमें और भी ज़्यादा प्रूफ चाहिए कि जब इन सब डिफरेंसेस के बावजूद इक्वालिटी जो है, अगर हम दोनों सेक्सेस के बीच यानी मेल और फीमेल के बीच में अगर हम इक्वालिटी लाते हैं तो इससे जो फैमिलीज हैं उनकी हारमोनी, उनका जो पीस है, जो शांति है वो ख़त्म हो जाएगी और फैमिली की जो डिग्निटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्ल वेलकर एक लिबरल व्यक्ति हैं, परंतु उनकी जो औरतों के प्रति सोच है, औरतों की लिबर्टी के और इक्वालिटी के प्रति सोच है, वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेसिव है, पिछड़ी हुई। ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और उन्होंने वुमेन जर्नल शुरू किया था और इसके बाद इन्होंने फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशंस भी बनाए। तो फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशंस वो पॉलिटिकल एसोसिएशंस होती हैं जो औरतों के हक के लिए लड़ती हैं और ये मानती हैं कि औरतों को भी मर्दों के समान अधिकार मिलने चाहिए। तो इनके ही इस न्यूज़पेपर का पहला इशू पब्लिश हुआ था 21 अप्रैल 1849 को, जिसमें ये एडिटोरियल था। चलिए पूछते हैं कि कितने पुरुष जो हैं जो कि लिविंग और जो कि लिबर्टी की इन सोच से भरे हुए हैं, वो जीने मरने को तैयार होंगे अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ एंटायर पीपल की। यानी अगर हम उनसे पूछें कि क्या आप जीने मरने को, लिबर्टी के लिए जीने मरने के लिए तैयार होगे, लेकिन किसकी लिबर्टी के लिए? सिर्फ पुरुषों की लिबर्टी के लिए नहीं, पूरी इंसानियत की लिबर्टी के लिए, सभी इंसानों की लिबर्टी के लिए। अब जब आप उनसे ये प्रश्न पूछेंगे तो वे एकदम से आसानी से हाँ तो कर देंगे, लेकिन एक्चुअली में जब आप उनकी एफर्ट्स को, उनकी कोशिशों को देखते हो तो आपको दिखता है कि ये बस एक आधी ह्यूमैनिटी के ही बेनिफिट के लिए लड़ रहे हैं, अब वो हैं सिर्फ पुरुष। लेकिन आज़ादी तो बांटी नहीं जा सकती कि पुरुषों को आज़ादी मिलनी चाहिए, औरत को नहीं मिलनी चाहिए। क्या फ्री मैन अपने आप को अनफ्री लोगों के साथ पाकर खुश रह पाएंगे? क्या उनको टॉलरेट कर पाएंगे? फ्री लोग जो हैं वो चारों तरफ से अनफ्री औरतों से घिरे हुए होंगे, तो क्या ये सही है? क्या वो इस चीज़ को टॉलरेट कर पाएंगे? यही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है लुइस ऑटो पीटर्स द्वारा। तो एक रीडर है जो इनके न्यूज़पेपर को पढ़ता है और फिर वो एडिटर को 25 जून 1850 को एक लेटर लिखता है। ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक और अनरीजनेबल है कि औरतों को पॉलिटिकल राइट से वंचित रखा जा रहा है, जबकि उनके पास भी राइट टू प्रॉपर्टी है जिसका वे बहुत बखूबी इस्तेमाल करती हैं। वे सभी कार्य करती हैं और सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेती हैं, जबकि उनको आदमी के बराबर इनका फ़ायदा भी नहीं मिलता। इस प्रकार का इनजस्टिस क्यों? क्या ये एक शर्म की बात नहीं है कि बेवकूफ़ से कैटल हर्डर को भी, चरवाहे को भी वोट देने का अधिकार है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक पुरुष है, जबकि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड औरतें जिनके पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टी भी हैं उनको इस राइट से वंचित रखा जा रहा है, जबकि वे स्टेट की डेवलपमेंट में और उसकी मेंटेनेंस में, राष्ट्र की डेवलपमेंट में, प्रगति में काफ़ी सारा कंट्रीब्यूट करती हैं। बात तो बिल्कुल सही उठाई गई है और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो व्यूज़ हैं ये दो फाड़ बटे हुए हैं लिबरल्स में भी, एक जो औरतों की पैरवी करते हैं, दूसरा जो औरतों के खिलाफ है।